भूपेंद्र चौगी जी, आप स्कूल बताना, मम्मी को भेज देना। यार तू अब क्या करेगी, इस टेस्ट के मार्क्स तो बोर्ड्स में ऐड होंगे ना। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो एक हाथ से तो फोन दे और दूसरे हाथ से यूट्यूब भी ले ले। रिजल्ट मेरा एकदम फर्स्ट क्लास आने वाला है और आपकी बेटी इस बार 10th में टॉप करने वाली है। सपना फेल हुआ। हमारा काम तो किया नहीं और खुद कैसे बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है फोन पे। इसे तो मैं आप छोड़ूंगी नहीं, चाहे उस डीसी से मुझे अपनी टीसी क्यों ना कटवानी पड़े। साली कमीने, मैंने अपनी जान से खेल के तेरा फोन ला के दिया और तूने मेरी कॉपी भी नहीं रखी। यहाँ पे बैठ के मजे कर ले, देख इसको। अरे हट यहाँ से, तू ना पागल वागल हो गए हो क्या? अगर बदतमीजी करी ना तो प्रिंसिपल बीसी के पास जाके कंप्लेन कर दूंगी और बता दूंगी कि तुमने उनके ड्रॉअर से फोन चुराया है और मुझे धमकियां देके कॉपी उठवाई है और रखवाई है। चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब निकलो यहाँ से वरना प्रिंसिपल बीसी के पास जाओगे। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुनो ना, मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। अरे मैं घर तो आ रहा था ना, इंतजार तो करते अभी। अरे आज सपना का यूटी का रिजल्ट है ना, आप जाओ ना स्कूल, जाके पता करके आओ। हाँ तुम्हारी बात सुन के तो मुझे भी खलबली सी मच रही है। एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ स्कूल और रिजल्ट देख के उसको लेके भी आ जाऊंगा। और छोटो दुकान का ध्यान रख, मैं आता हूँ बेटे के स्कूल से। सपना जोगी 99 marks? बेटा पढ़ाई करे क्यों रहे हो, पढ़ाई छोड़ दो ना, फेल हो आप। पर इसके इतने ज्यादा कैसे आ गए हैं? कोई नहीं, बच्चे ने मेहनत की होगी, मिलेगी तो बता दूंगी। सपना, सपना, तो गानी मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने आवाज लगाई हो। घर जाके तेरी लगने वाली है ना, इसीलिए तेरे कान बज रहे अभी से। हाँ तो मेरे जलीकट्टे में नमक मिर्च और ये ना सब कुछ छिड़क ले। तो चुप रह, मैं घर जा रही हूँ, बाय। बहन बहन प्लीज तू आज मेरे साथ घर चल लेना, मोरल सपोर्ट के लिए। इसके बाद मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज चल ले। तू अपने साथ साथ ना मुझे भी नहीं पटवाएगी, चल अब। अरे आप आ गए, अरे आप सपना के स्कूल गए थे, क्या रहा उसका रिजल्ट? क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, हमारी तो सारी उम्मीदें ही टूट चुकी है। मैंने सोचा था सपना 10th बोर्ड में टॉप करेगी, फोटो छपेगी उसके अखबार में, लेकिन वो तो यूनिट टेस्ट में भी पास नहीं हो पाई।
अरे कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, खामखा आपको मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। यार क्या फायदा हुआ, इतनी मेहनत की, इतना उस सुप्रिया की बेटी से काम भी निकलवाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब तो तुझे ना कोई नहीं बचा सकता अपने पापा से। ये है ना, ये बचाएगा मुझे। ये क्या है? मेरा प्लान बी। मैं ना अपने साथ लेके चलती हूँ। जितना दिमाग तो इस प्लानिंग में लगाती है ना, उतना पढ़ाई पे लगा लेती तो आज सच में टॉप करती। बहन मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं कितना मन लगा के पढ़ती हूँ, मैं कितना दिल से चाहती हूँ कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँ। पता नहीं एंड मोमेंट पे क्या होता है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। पता, मैंने इस बार 5 बजे से उठ के पढ़ाई करी थी। घर जा, चल तू। अरे जाओ कोई जूते का हार लेके आओ, मैडम जी आई है टॉप करके। बोला था ना उंगली टेढ़ी करने के लिए। आंटी की तो थी पर साली उंगली खराब निकली। चन्ना ड्रामा शुरू कर। मैं अपने पापा का सपना नहीं पूरा कर पाऊंगी तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आंटी अंकल आपको पता है मैंने अभी सपना को एक ब्लेड और चूहे मारने वाली दवाई लेते देखा, और तो और दरवाजा भी बंद कर लिया है, पता नहीं क्या करेगी। सपना 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 अपना सपना अपनी बेटी पे इतना ज्यादा थोप दिया कि आज वो अपनी जान लेने चली गई। अरे आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम अपने अधूरे सपने पूरे करने के लिए अपने बच्चों के छोटे छोटे कंधों पर इतना ज्यादा भार डाल देते हैं कि वो हमारी खुशी के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करना। हे भगवान, सुप्रिया मैम का कॉल आ रहा है। अब ये सुप्रिया मैम को चाहिए क्या, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। ये तो सच में मरवा के मानेंगी मुझे। क्यों ही आएगा, यही बताने के लिए आया होगा कि आपकी बेटी फेल हो गई। देखो तो क्या बोल रही है। हेलो जी, धन्यवाद किस लिए बोल रहे हैं पापा? अरे क्या बोला मैम ने? सपना पास हो गई है। क्या? वो भी 99% से। गलती से गलत रिजल्ट बता दिया उसको। क्या? चलो सपना को बताते हैं। हाँ चलो 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 चलो। सपना 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 बाहर निकल। सपना सपना तू पास है। मेरे पापा का तो सपना है कि मैं 10th बोर्ड में टॉप करूं। आपके पेरेंट्स का आपको लेके क्या सपना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट किया होगा तो भर भर के लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो को। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।